સમસા બાદના ડીસીપી પ્રકાશ રેડ્ડીના જણાવ્યા પ્રમાણે પોલીસ આરોપીઓને લઈને એક અંડરબ્રિજ તરફ જઈ રહી હતી જ્યાં તેમણે વેટરનિટી ડોક્ટર પર કેરોસીન છાંટીને સળગાવી હતી પૂછપરછ અને ઘટનાને રીક્રિએટ કરતી વખતે આરોપીઓએ પોલીસના હથિયાર લઈને ભાગવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા તેમણે પોલીસ કર્મીઓ પર ફાયરિંગ કર્યું હતું આત્મરક્ષણ માં પોલીસે આ આરોપીઓ પર ફાયરિંગ કર્યું હતું જેમાં ચારેય આરોપીઓને મોત થયા હતા બેંગલુર હૈદરાબાદ હાઈવે પર જ્યાં એન્કાઉન્ટર થયું છે ત્યાં હવે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ પહોંચી ગઈ હતી અને સમગ્ર વિસ્તારની ઘેરાબંધી કરી લીધી હતી હૈદરાબાદમાં એન્કાઉન્ટરની માહિતી આગની માફક ફેલાઈ ગઈ હતી અને સેંકડોની સંખ્યામાં લોકો ત્યાં પહોંચવા લાગ્યા હતા સ્થાનિક લોકો સતત હૈદરાબાદ પોલીસ સમર્થન નારા લગાવ્યા હતા હૈદરાબાદ પોલીસ જીત્યા નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા સાથે પોલીસ ઉપર આવી હતી માત્ર હૈદરાબાદ પોલીસ નું ઠેર ઠેર સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે મહિલાઓ પોલીસ ખવડાવી ડાકરી બાંધી રહી છે પોલીસ ને ખભા ઉપર બેસાડીને જશ્ન પણ મનાવવામાં આવ્યો હતો પોલીસ કમિશનર વીસી સજ્જનએ જણાવ્યું કે ચારેય આરોપીઓ શુક્રવારે સવારે 3 થી 6 વાગ્યા વચ્ચે સાદનગર સ્થિત ચતન પલ્લીમાં એન્કાઉન્ટરમાં માર્યા ગયા હતા એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે ઘટનામાં બે પોલીસકર્મી પણ ઘાયલ થયા છે આમરબતી મારકે આજ 10 દિવસ दस दिन तक अंदर उनको इनकाउंटर में मार दिया मैं उसको गवर्नमेंट तेलंगाना सरकार और पुलिस और जो दे दे मैं जो मेरे साथ लोगों को सबको बताई देता हूँ मैं मेरा बच्ची की आत्मा का शांति आता हुआ हैप्पी फॉर इट एंड आई थिंक दिस would एन an एंड and nobody विल even think of doing it and I think it's a record time they have did this I would like to extend my thanks to each and every people who has supported us as well as uh, police media and Telangana government बहुत अच्छी बात है मैं इस काउंटर से हुआ जो है इनका जो दरिंदों का encounter हुआ है मैं बहुत खुश हूँ खुश इसलिए हूँ कि हम जिस तकलीफ में गुजर रहे हैं आज भी देख रहा हूँ कि हमारी केस को सात साल हो गए लेकिन दरिंदे दरिंदे आदमी ज़िंदा है और हम रोज़ मरते हैं जब कोर्ट में जाते हैं तब उनके वकीलों का सामना होता है कुछ ना कुछ ऐसे वो शब्द बोलते हैं जैसे हम लोग को तकलीफ़ हो तो हम जो तकलीफ़ झेल रहे हैं कम से कम वो परिवार तो तकलीफ नहीं झेलेगा उन वकीलों का और उन मुजरिमों का कि अभी ज़िंदा है तो ये बहुत अच्छा हुआ हैदराबाद पुलिस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा पूरे अपने देश से कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर जो समझदार होगा सामाजिक होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये गलत हुआ है और पुलिस पे कभी कोई उंगली नहीं उठाएगा हमारे तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें कोई भी हो सकता है कि लोग हर हर एक की अपनी अपनी मानसिकता है कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा लेकिन पुलिस ने वही काम किया है उस समय का सिचुएशन को देखते हुए कि उनको भागने में वो सफल हो जाते तो आज पुलिस पे इतना छीटा कसी होती इतना उनका मतलब बुरा हाल होता कि समाज समझ नहीं पाता पुलिस समझ नहीं पाती कानून व्यवस्था भी नहीं समझ पाते तो उन्होंने जो समय की नजाकत को देखते हुए किया है बहुत अच्छा किया है उठेगा नहीं उठना चाहिए बिल्कुल नहीं उठना चाहिए मैं वहाँ के सरकार से वहाँ के कमिश्नर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि पुलिस के हाथ मत बांधिए पुलिस ने आज जो काम किया है वो एक नजीर पेश किया है क्योंकि वो मुजरिम क्राइम किए थे कोर्ट में कबूल किया था पुलिस के कस्टडी में थे फिर भी उन्होंने इतनी दरिया दिली दिखाई कि पुलिस पे पत्थर मार रहे हैं भाग रहे हैं तो उनका जो हर्ष होना चाहिए बिल्कुल सही हुआ है पुलिस पे बिल्कुल कोई सवाल चिन्ह खड़ा नहीं होना चाहिए हैदराबाद में जरूर कुछ बदला है जो पुलिस ने किया है आज जरूर कुछ बदला है जो उनको इस तरह से दस दिन के अंदर सजा मिल गई भगवान ने भी साथ दिया है उस परिवार का उस परिवार को संघर्ष मैं यही कहना चाहती हूं कि जिस तरह से मैं मैं चैनल के माध्यम से बोली थी कि उनको हमारे तरह संघर्ष ना करना पड़े आज वो बात सच हो गई उनको दस दिन में इंसाफ मिले मिल गया उनके बच्ची को इंसाफ मिल गया मैं यही यही चाहती हूँ कि जितने भी क्राइम हुए हैं हैदराबाद में हुआ उन्नाव में हुआ है बक्सर में हुआ है नालंदा में हुआ है और निर्भया के साथ हुआ है सभी मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी मिले તેલંગાના દુષ્કર્માના ચારેય આરોપી ને પોલીસે ઠાર કરી દીધા છે નિર્ભયા ના આરોપી એ હજી પણ ફાંસી સજા મળી નથી અને તેની જગ્યાએ હૈદરાબાદ દુષ્કર્મ માં કેસ આઠ દિવસમાં ફેસલો આવી ગયો છે હૈદરાબાદ પોલીસની આ કામગીરીને સમગ્ર દેશે બિરદાવી છે નિર્ભયાની માતાએ પણ કહ્યું છે કે મારી દીકરી ના આરોપીઓને આઠ દિવસ માં સજા મળી ગઈ છે આ ખૂબ ખુશીની વાત છે હું ઈચ્છું છું કે હવે નિર્ભયાના આરોપી અને સમગ્ર દેશના આ આરોપીઓ જેને બાળકીઓ સાથે અત્યાચાર કર્યા છે તેમને પણ જલ્દીથી સજા મળે हैदराबाद में जो पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है वो सराहनीय है जो पूछताछ के लिए आरोपियों को वहाँ लेकर गए थे लेकिन वो भाग रहे थे उन्होंने एनकाउंटर में उनको मार गिराया और मैं समझती हूँ कि जो निर्भय कांड है यदि पुलिस थोड़ी सख्ती बरतती तो बहुत पहले उनके परिवार के लोगों को न्याय मिल सकता था और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में एक जिले की बात नहीं है रोजाना किसी न किसी जिले में रोजाना हर जिले में घटनाएं होती हैं बच्ची से लेकर जो हमारी जो नौजवान बहनें हैं या माताएं उन तक को भी बुजुर्ग लेडीज तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन औरतों के साथ जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बलात्कार की घटनाएं ये आम हो गई है लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है ये बड़े दुख की बात है मैं समझती हूँ कि यहाँ की पुलिस को मेरे गवर्नमेंट के समय में ऐसा नहीं होता था होता था तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी और चाहे वो मेरी पार्टी के भी लोग क्यों ना हो उनको भी मैंने जेल के हवाले किया उनको भेजा है मतलब कानून के हवाले करके उनके खिलाफ सख्त सक्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की गई की गई है इसलिए मेरा उत्तर प्रदेश के वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है तो मेरा यहाँ पर यहाँ की जो पुलिस है उससे भी ये कहना है कि उनको हैदराबाद की पुलिस से उनको प्रेरणा लेनी चाहिए और सख्त कदम उठाना चाहिए मैं समझती हूँ लेकिन दुख की बात यह है चाहे दिल्ली है तो चाहे उत्तर प्रदेश है तो ज़्यादातर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं तो जो आरोपित लोग हैं तो उनको सरकारी मेहमान बनाकर उनको रखे हुए हैं मैं समझती हूँ बड़े शर्म की बात है दिल्ली पुलिस को अपने आप को बदलना हो दिल्ली पुलिस को भी बदलना होगा और उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है उनको भी अपने आप को बदलना होगा तो तभी तो तभी मैं समझती हूँ कि जो बलात्कारी लोग हैं उनमें दहशत पैदा हो सकती है और आगे के लिए इस किस्म की घटनाएं रुक सकती हैं मामले पर क्या कहेंगे देखिए क्या हुआ कैसे हुआ परंतु अच्छा हुआ जो रेप पीड़िता थी उसको इंसाफ मिला निर्वे कांड में सात साल हो गए अभी तक उनको आरोपियों को सजा नहीं हो पाई मेरा कहना तो ये है कि नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए और ऐसे केसेस की समरी ट्रायल होनी चाहिए और समरी ट्रायल में आप शहर के मजिज लोगों को एज ज़ूरी मेम्बर भी उसमें बैठा सकते हैं और समरी ट्रायल में फैसला करके उनको सजा दे देनी चाहिए उसकी कोई अपील और कोई दलील नहीं होनी चाहिए जो इस तरह के अपराधी होते हैं कलंक होते हैं जिनसे पूरा देश धर्म संस्कृति बदनाम होती है उनके साथ और जो आतंकवादी उनके साथ तो ऑन द स्पॉट हमारी पुलिस को अर्धसैनिक बलों को और सेना को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिन घटनाओं में संदेह नजर आता है उन घटनाओं को हमें आगे कोर्ट में ले जाना चाहिए उसके ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें एविडेंस है उसके आधार पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसका रास्ता अपनाना चाहिए दे रहा है की आत्मा को और शांति मिली चाहिए और देश में जहाँ 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 तक राष्ट्र महिला आयोग का की बात है हम लोग हमेशा से उनकी डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे लेकिन वो जस्टिस के थ्रू लीगल सिस्टम के थ्रू होना था हम स्पीडी जस्टिस की मांग कर रहे थे ये एक इनकाउंटर हुआ है और इसमें पुलिस बेस्ट जज है कि किस परिस्थिति में उन्होंने इंकाउंटर uh, किया इंकाउंटर uh, हमेशा ठीक नहीं होते लेकिन इस मामले में uh, जिस तरह से अक्यूज़ थे और जैसा पुलिस कह रही है कि वो uh, हथियार छीन के भागने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे में शायद उनका ये uh, जो फैसला था ठीक है uh, मांग वही थी कि उनकी डेथ पेनल्टी हो लेकिन एक लीगल सिस्टम हम चाहते थे कि स्पीडी uh, जस्टिस हो स्पीडी हो और जस्टिस हो और वो लीगल सिस्टम से ही होती है तो मैं हमेशा इसी की बात करूंगी कि प्रॉपर लीगल सिस्टम के थ्रू ही होना चाहिए हाँ जहाँ आम लोग खुश हैं आज की ऐसा हुआ लेकिन फिर भी एक हमारा संविधान है एक हमारा लीगल सिस्टम है और उसी के थ्रू होना चाहिए मुझे सूचना मिली है चारों लोगों को इनकाउंटर में मारा गया है और यदि कोई अपराधी इस प्रकार से भागने की कोशिश करे तो पुलिस पास कोई और तरीका नहीं होता और न्याय हुआ ऐसा कर सकता हूँ मैं झारखंड एज अ गर्ल हमारे माँ बाप हमें इसलिए पैदा नहीं करते हैं इसलिए बड़ा नहीं करते हैं इसलिए हमारी 26 साल तक इसलिए उस डॉक्टर की परवरिश नहीं की गई थी कि आप जैसे लड़के जो होते हैं वो हमारा आके इस तरह फायदा उठाएं और हमारा रेप किया जाए हमारे माँ बाप हमें इसलिए बिल्कुल पैदा नहीं करते कि आप हमें इस तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करके किसी ब्रिज के नीचे जिंदा जलाकर फेंक दें हमें इसलिए पैदा नहीं किया गया जितनी फ्रीडम और जितने राइट्स आपके पास हैं उतनी हमारे पास हैं तो ये बहुत जरूरी है आपकी भी बहन हो सकती है आपकी भी बेटी हो सकती है आपकी भी बहू हो सकती है यदि आप चाहते हैं कि वो दूसरे किसी पुरुष के सामने आ, सिक्योर और सहज महसूस करें तो ये बहुत आवश्यक है कि आप पहले हमारे हमको इतनी इतना स्पेस दें हमें उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएं कि हम भी आपके सामने उतना ही सिक्योर फील करें ये जो हुआ है उनको इनकाउंटर कर दिया गया है ये नहीं होना चाहिए था उन्हें उसी प्रकार जिंदा जला देना चाहिए था जिस प्रकार उसने किसी लड़की को जलाया था छोटी सी भी चोट लग जाती है तो हमारी जान निकल जाती है तो उसे तो जिंदा जला दिया गया इस वजह से पूरे बीच चौराहे पे उसे वैसे ही जिंदा जला के तड़पा तड़पा के मारना चाहिए था जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया था उसी तरीके से यदि उन लोग को भी मारते तो लोगों लो को लगता तो उनको आ, ये आ, करने से पहले सोचते हजार बार सोचते कि ऐसा कुछ ना हो लेकिन सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेती है कभी भी छोटे से लेके बड़े तक के साथ इतना इतना घिनौना काम किया जा रहा है ये कितनी बड़ी घटना है रू काट जाती है इस, इस इस तरीके से जलाया जाता है क्या उन्हीं को उनको भी ऐसे ही जलाना था तब बहुत ज्यादा खुशी होती आज सुबह का शुक्रिया ईश्वर का शुक्रिया कि आज हमें बलात्कार की नहीं बलात्कारियों के इनकाउंटर की खबर मिली और मैं सैल्यूट करती हूँ उन पुलिस वालों को कि उन बलात्कारियों को भागने नहीं दिया और मुझे लगता है कि मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि आज बच्चियों का ये खबर देख के हौसला बहुत बुलंद होगा हम सब का हौसला बुलंद हो रहा है मैं कहूँगी कि अब ये खबर तीस तारीख को दो तारीख को एक तारीख को आज भी बंगाल में जिस तरह से लगातार रेप हुए हैं चार साल पांच साल छह साल बारह साल तो अब मुझे लगता है ये न्यूज होनी चाहिए कि कितनी जल्दी उन रेपिस्टों को फांसी होती है और कितनी जल्दी अगर जो भागने की कोशिश करते हैं उनका इनकाउंटर होता है मुझे लगता है अब देश की महिलाएं और बच्चियां अब बलात्कारियों की सजा देखना चाहती हैं जिसकी आज जो पहल हुई है मुझे उसकी बहुत खुशी है लगातार रे, रेप के, के केस बढ़ रहे हैं अब वक्त आ चुका है कि ये रेप कि सिर्फ न्यूज नहीं हो बल्कि रेपिस्ट को किस तरह से सजा दी गई जिस जघन तरीके से वो रेप और हत्या करते हैं मुझे लगता है उसी जघन तरीके से अब उनको भी मार देने की उनको सजा देने का वक्त आ चुका है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फायदा क्या है अदालत के फायदा क्या है पुलिस की फायदा क्या है कानून के फिर तो आप बंदूक उठाओ और जिसको भी मारना मारो ये इनकाउंटर पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है क्योंकि हम कहते हैं कि कानून का खौफ लेकिन हम सब जानते हैं कि जुडिशरी इज अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस जैसे कि हमने निर्भया के केस में देखा है हम जानते हैं कि प्रियंका रेड्डी के पूरे परिवार के तरफ से एक बयान आया है लेकिन मैं मानती हूं कि पूरे देश के महिला आज न सिर्फ बहुत खुश हैं क्योंकि ये चार बलात्कारियों को सजाए मौत मिला है एक एनकाउंटर के निमित्त लेकिन कानून का खौफ और एक वातावरण जहां दरिंदे को सजा मिलेगी ये स्पष्ट हुआ है आज सुबह उठते ही जो खबर मिली उससे दिल को बड़ा शगुन मिला है हैदराबाद पुलिस ने गैंगरेप के चारों आरोपियों को एनकाउंटर में मार गिराया है इसके लिए मैं हैदराबाद पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया है और पुलिस के इस निर्णय के हम साथ हैं आज पूरा देश खुशी मना रहा है और जब स्थल के ऊपर आम जनता द्वारा हैदराबाद पुलिस के ऊपर फूलों की बरसात की जा रही है इसके लिए मैं हैदराबाद पुलिस को इतना ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे एक देश की महिलाओं के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का उदय हुआ है और महिलाओं के साथ सम्मान हुआ है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हैदराबाद पुलिस का